और अब इसके साथ ही नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने चनियोट प्रेस क्लब का दौरा किया है, जहां पर चेयरमैन चनियोट प्रेस क्लब चौधरी लतीफ़ आरई, सदर चनियोट प्रेस क्लब उमर सज्जाद संधु, सीनियर सहाफ़ी शेख जहांगीर चनियोटी और दीगर अहदेदारान ने वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल किया है। और कैसर अहमद शेख ने मकामी सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए इलाके के अहम मसाइल पर गुफ्तगू की है। इन मसाइल में तालीम, सेहत, सिवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे शामिल हैं, जिनके बारे में वफाकी वज़ीर ने अपनी तरजीहात और जारी मंसूबों की तफसीलात से आगाह किया है। और सहाफ़ियों के सवालात पर वफाकी वज़ीर ने तमाम मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की है। चनियोट प्रेस क्लब के दौरे में सहाफ़ियों ने वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख के विज़न और अवामी खिदमत को सराहा है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि इनके तमाम मंसूबे जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए जाएंगे। तो आपके हाथ में है ना यार, देखिए बात सुनी, आप शिकायत नोट नहीं करें, आज ही शाम को 6 बजे 14 करोड़ हमारे शहर का है उसका, जिस तरह आप जहाँ तक पहली बात आपने की ना, बस वो सही बड़ा ज़रूरी है। हमने फास्ट यूनिवर्सिटी में तो शुरू की हुई है, वो बसें हैं, इधर भी करवाएं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। हुकूमत की यूनिवर्सिटी है, उनको रिकमेंड करते हैं। 190 करोड़ से आपका ये कैंपस बन रहा है, उसमें देखते हैं फ़ंड होंगे, वो फ़ंड जो है वो कुछ बसें होनी चाहिए, बसों की आने जाने का। आप दुरुस्त, आपकी बात बिल्कुल ठीक है।